हेलो गाइस, दिस साइड आकाश माथुर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाइड स्कूल। ये हमारा 10th ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। इस ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम साइज ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने डेटा टाइप्स का साइज़ फाइंड कर सकते हैं एक प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। हम यहाँ पर कुछ भी टाइटल दे देते हैं प्रोजेक्ट टाइटल में, जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पर साइज ऑफ अपनी मेन फाइल को ले लेंगे हम यहाँ से। इस हेडर फाइल को हटा देते हैं हम यहाँ से, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे कि प्रिंटएफ के अंदर जो हमारा प्रिंटएफ फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हम इसके डबल कोट्स में अपना स्पेसिफायर देंगे परसेंट डी, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी, जो भी हमारा साइज ऑफ फंक्शन है जिसके थ्रू जो भी हम डेटा टाइप का साइज़ फाइंड करेंगे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी इंटीजर आएगी। इसलिए हमने परसेंट डी दिया यहाँ पे, जो कि स्पेसिफाई कर रहा है हमारे इंटीजर टाइप के डेटा को। तो जिसके थ्रू हमें एक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी हमारे जो भी हम डेटा टाइप जिस भी डेटा टाइप का साइज़ फाइंड कर रहे हैं, मेमोरी स्पेस फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर हम साइज ऑफ फंक्शन लिख देंगे और साइज ऑफ फंक्शन के पैरेंथेसिस में उस डेटा टाइप को लिखेंगे जिसका हमें साइज़ फाइंड करना है। जैसे कि सबसे पहले मैंने इंट लिख दिया। इंट लिखने के बाद हम बिल्ड पे जाएंगे और इसे रन कर देंगे अपने प्रोग्राम को। तो देखिए हमारे यहाँ पे प्रोग्राम रन हो चुका है। अभी हमारा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए मेरा आउटपुट आ चुका है 4। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जो हमारा मेमोरी स्पेस है या स्टोरेज साइज़ है हमारे डेटा टाइप्स का, वो डिपेंड करता है हमारे प्रोसेसर पे कि किस टाइप का हमारे पास प्रोसेसर है, और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से आपको अलग अलग वैल्यूज़ देखने को मिल सकती है इंट डेटा टाइप के अलग अलग प्रोसेसर पे और अलग अलग आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। अब यहाँ पे हम, जैसे कि मैंने आपको मॉडिफायर्स भी बताए थे कुछ, कि जैसे कि इंट के अगर हमें वैल्यू को कम करना है, या हम रेंज हमें कम करनी है इंट की, या फिर इंट की रेंज बढ़ानी है, तो उसके लिए हम मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे शॉर्ट इंट लिख दिया, जो कि जो हमारे इंट का जो स्टोरेज साइज़ था पहले वो 4 आ रहा था, वो यहाँ पे देखिए कम हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 4 की जगह अब यहाँ पे 2 बाइट शो कर रहा है। तो हम मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करके अपने डेटा टाइप के जो भी स्टोरेज साइज़ है उसे कम भी कर सकते हैं। अगर हमें इसे बढ़ाना है तो हम इसे बढ़ा भी सकते हैं दूसरा मॉडिफायर लगा के। ये देखिए लॉन्ग इंट, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा 8 बाइट यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम मॉडिफायर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम अपने डेटा टाइप के स्टोरेज साइज़ को बढ़ा सकें। और स्टोरेज साइज़ को बढ़ाने का हमारा ये फ़ायदा होता है कि उसमें मैक्सिमम लिमिट की रेंज तक अपनी वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हैं, और जो भी वैल्यूज़ इनपुट की गई है या जो पहले से ही इनिशियलाइज़ कर दी गई है वैल्यू, उसे स्टोर कर सकते हैं हायर रेंज की वैल्यूज़ को भी। अब यहाँ पे हम कैरेक्टर का साइज़ फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए कैरेक्टर का साइज़ मेरा यहाँ पे 1 शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम फ्लोट डेटा टाइप का साइज़ फाइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्लोट डेटा टाइप है हमारा, उसका स्टोरेज साइज़ यहाँ पे 4 बाइट आ रहा है। इसी तरीके से हम डबल का भी फाइंड कर लेंगे। ये हमने डबल का फाइंड कर लिया अपना, ये देखिए 8 आ रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से हम लॉन्ग डबल का भी फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा 12 आ रहा है। तो आप जिस भी डेटा टाइप का मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करके आप अपने इंक्रीज और डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी स्टोरेज साइज़ को किसी भी डेटा टाइप के। और अगर आपको दूसरे डेटा टाइप्स के भी स्टोरेज साइज़ फाइंड करने, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो गाइज, हमारी ये वीडियो यहीं पे ओवर होती है। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।